Namaskar students, today's my topic is honing process. Honing is also a surface finishing operation as well as it is a material removal. Means kya ho gaya? Ki surface ko finish karne se jyada, ye ek aisa surface finish operation hai jisme sabse jyada stock removal hota hai, jo ki iski nominal range rehti 0.1 mm to 0.25 mm, but ye ho sakta hai 0.75 mm तक भी इसमें स्ट्रोक रिमूवर हो जाता है। अब देखते हैं व्हाट इज हॉनिंग। ग्राइंडिंग के बाद में हॉनिंग ऐसी प्रोसेस है जिसको हम सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पर हॉनिंग में देख लीजिए, ये लगा हुआ है हॉनिंग टूल जिसमें मैंने यहाँ पर शो कर रखा है हॉनिंग स्टिक्स। हॉनिंग स्टिक्स क्या होती है, जैसे कि हम ग्राइंडिंग व्हील बनाते हैं उसी तरह से हॉनिंग स्टिक भी एब्रेसिव मटेरियल्स की बनी हुई होती है। एब्रेसिव पार्टिकल्स कौन से हो जाएंगे, एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड और डायमंड ग्रेन्स। और ये बनती भी उसी मेथड से है जैसे कि हमने ग्राइंडिंग व्हील की बनाई थी। जैसे बॉन्ड्स बनाए थे हमने, विट्रीफाइड बॉन्ड्स, सेलेक्ट बॉन्ड्स, ये सारे बॉन्ड्स, इन बॉन्ड्स के द्वारा हम क्या बनाते हैं, हम स्टिक्स को बनाते हैं। अब ये ऑपरेशन कहाँ काम आता है, तो जनरली ये इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस, सिलेंड्रिकल सर्फेसिस, इंटरनल सिलेंड्रिकल सर्फेसिस कौन सी हो गई, सपोज टू बी कोई बोर्ड होल है या फिर ड्रिल्ड होल है जिसकी अंदर की सरफेस को हमको क्या करना है, अगर फिनिश करना है तो वहां पर कौन सा ऑपरेशन काम आता है, हॉनिंग काम आता है। जैसे मैंने डायग्राम बना के बता रखा है, कोई जैसे सर्फेस है जिसकी की राउंडनेस करेक्ट नहीं है, तो उसकी राउंडनेस को, उसको एकदम गोल बनाने के लिए भी हम कौन सा ऑपरेशन लेते हैं, हॉनिंग ऑपरेशन। अगर कोई सरफेस हमको ऐसी है जिसमें कि टेपर बनी हुई है, जैसे कि यहाँ पर शो हो रहा है ये इसका टेपर है, आफ्टर हॉनिंग ऑपरेशन, हॉनिंग ऑपरेशन होने के बाद में इसमें क्या हो जाएगी, टेपरनेस से ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रेटनेस में, तो डायमीटर राउंडनेस को कन्वर्ट करता है स्ट्रेटनेस। इसके अलावा इसका एक और ऑपरेशन है, क्या है, अगर कोई मिसअलाइंड है, अलाइनमेंट गड़बड़ है, तो ये उसकी सरफेस के अलाइनमेंट को भी करेक्ट करता है। या फिर एक्सियल अगर प्रॉब्लम है वो भी उसको ये सरफेस को फिनिश करता है। अब देखते हैं हॉनिंग टूल होता क्या है। तो हमने बॉन्ड के द्वारा जैसे ग्राइंडिंग व्हील बनाते हैं उसी तरह से हमने क्या बना लिया, हॉनिंग स्टिक्स। हॉनिंग स्टिक्स एक हॉनिंग हेड में फिट होता है जिसमें क्या होता है, गाइड्स बने होते हैं, उन गाइड्स के बीच में हॉनिंग स्टिक्स फिटेड होते हैं। अब हॉनिंग में देख लीजिए आप, दो तरह के मोशन होते हैं। फर्स्ट मोशन तो होता है इसका रोटरी मोशन, जो किसका होता है, हॉनिंग हेड का मोशन होता है, वो कौन सा होता है, रोटरी मोशन। यहां पर एक रोड लगी हुई होती है जिसमें बना हुआ होता है यूनिवर्सल जॉइंट, जो कि रेसिप्रोकेटिंग और ऑसिलेटिंग मोशन भी प्रोवाइड करते हैं। मींस यहाँ पर एक साथ दो मोशन होते हैं, फर्स्ट होता है इसका रोटरी मोशन और दूसरा होता है आपका ऑसिलेटिंग मोशन, जिसके द्वारा जो सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसमें सिलेंड्रिकल सरफेस में और क्या हो सकता है, जो इंजन के सिलेंडर्स होते हैं, फोर स्ट्रोक इंजन, टू स्ट्रोक इंजन, उनके सिलेंडर्स भी इसके द्वारा फिनिश होते हैं। अब यहाँ पर हम नजर डालते हैं कि ये कौन कौन से क्रिटिकल पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर की हॉनिंग की सरफेस फिनिश या मटेरियल रिमूवल डिपेंड करता है। तो फर्स्ट है आपका रोटेशनल स्पीड। रोटेशनल स्पीड क्या होती है कि इसकी कि हॉनिंग टूल किस स्पीड में रोटेट करे, तो अगर रोटेशनल स्पीड बढ़ जाती है, अगर रोटेशनल स्पीड बढ़ जाती है तो मटेरियल रिमूवल रेट भी बढ़ जाएगी और सरफेस रफनेस कम होगी। क्या हो गया, मटेरियल रिमूवल रेट बढ़ गई, ये स्पीड बढ़ गई और क्या घट गई, सरफेस रफनेस। दोनों का सेम कैसे, लेंथ एंड पोर्शन ऑफ द स्टॉक्स, लेंथ एंड पोर्शन ऑफ द स्टिक स्टॉक क्या हो जाएगा, अगर कोई बहुत छोटा पीस है, सपोज टू बी अगर हॉनिंग मशीन बहुत छोटी है, सपोज टू बी आपको 2 सेंटीमीटर या 2 mm का पार्ट भी अगर फिनिश करना है, तो आपको क्या चाहिएगा कि स्टॉक लेंथ आपकी बहुत कम है, तो आप इसमें क्या करोगे, सिंगल स्ट्रोक में फिनिश आपको चाहिएगी। स्ट्रोक लेंथ यहां पर 0.32
0.75 फीट तक भी होती है. मींस डायमीटर इसका कितना लंबा हो सकता है, 0.75 फीट तक लंबा भी हो सकता है. और इसके अलावा एक और पैरामीटर से जिसे है हॉर्निंग स्टिक्स प्रेशर, कि इसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है. तो प्रेशर भी इसमें एक यूनिट प्रेशर हम फिक्स कर देते हैं, उसी के बाद ही ये वर्क करना स्टार्ट करता है. अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर मैंने एक बात बोला है स्टॉक रिमूवल. अब कुछ जो होते हैं जिसमें कि डायमंड ग्रेन्स के जो आपके स्टिक्स बनी हुई होती है, डायमंड ग्रेन स्टिक जो होता है वो सिंगल स्ट्रोक. मटेरियल रिमूवल करता है मींस अगर आपके दूसरे बॉन्ड है जैसे एल्यूमिनियम कार्बाइड या फिर सिलिकॉन कार्बाइड, तो उसमें आपको सरफेस फिनिश के लिए 2 या 3 बार इसको रेसिप्रोकेटिंग रिब्रोकेटिंग मोशन देना पड़ेगा. बट अगर आपने यहां पर कौन सा टूल लिया है, डायमंड ग्रेन्स, डायमंड ग्रेन्स का अगर आप हॉर्निंग स्टिक्स बनाते हो, तो इसमें क्या हो जाएगा आपके सिंगल स्ट्रोक में जो भी हमारी रिक्वायर्ड सरफेस फिनिश हमको चाहिए, जितना मटेरियल रिमूवल चाहिए वो एक ही स्ट्रोक में हो जाता है. इसके क्या क्या फायदे हो जाते हैं, कोई अगर छोटा पार्टिकल है तो एक ही स्ट्रोक में क्या हो जाएगा, उसमें हॉर्निंग प्रोसेस हो जाएगी, फिनिशिंग हो जाएगी, तो हमारा टाइम बचेगा. सेकेंड, इसमें जो जिसमें ज्यादा चिप रिमूवल होता है तो उसमें हमको लुब्रिकेशन की भी जरूरत होती है, कूलेंट की भी जरूरत होती है, तो उसकी जो जरूरत कम पड़ेगी और आपकी जो टोटल टाइमिंग है वो भी बच जाएगी. सपोज कोई बहुत लंबा जॉब है और उसमें अगर आपने केवल सिंगल स्ट्रोक में हॉर्निंग कर लिए तो आपका क्या हो जाएगा, टाइम भी बचेगा, दैट मीन्स की प्रोडक्शन रेट भी बढ़ती है. तो आजकल आपके क्या चल रहा है, ज्यादा मॉडर्न जो हॉर्निंग मशीन है उसमें क्या हो रहा है, आपके सिंगल स्ट्रोक हॉर्निंग हो रही है. नाउ अब हॉर्निंग मशीन क्या होती है, इसकी कोई अलग से मशीन होती है या किसी मशीन के ऊपर इस टूल को असेंबल किया जाता है. तो एग्जैक्टली हम इस जो ड्रिलिंग मशीन है, ड्रिलिंग मशीन और लेथ मशीन, इन दोनों मशीन्स को हम एज अ हॉर्निंग मशीन यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमने जैसे ही हॉर्निंग टूल होल्ड कर दिया तो हमारी क्या हो जाएगी, ये हॉर्निंग मशीन में कन्वर्ट हो जाएगी. तो हॉर्निंग के लिए हम स्पेशल मशीन जहां पर होती है बनाते हैं, बट मोस्टली आपकी क्या हो जाता है, ड्रिलिंग या लैथ मशीन भी हॉर्निंग के लिए काम आती है. तो ये आज का टॉपिक आपका कंप्लीट है, हॉर्निंग प्रोसेस. तो हॉर्निंग प्रोसेस में क्या हो जाएगा, हाइएस्ट स्ट्रोक रिमूवल होता है लैथ में, तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, लेथ में टर्निंग. सेकंड आपकी हो जाएगी हाथ पकड़, ग्राइंडिंग. और थर्ड नंबर पे आती है आपकी हॉर्निंग, और इसके बाद आपकी आती है लैपिंग प्रोसेस. तो इनमें मटेरियल रिमूवल रेट कम कंटिन्यूस हाईएस्ट होती है आपकी लैथ, सेकंड ग्राइंडिंग, थर्ड हॉर्निंग, फोर्थ होती है आपकी लैपिंग, और सबसे कम मटेरियल रिमूवल होता है आपका वो होता है उसमें सुपर फिनिशिंग. तो अगर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है हाईएस्ट मेटल रिमूवल रेट तो किसकी होगी, टर्निंग की. और अगर हॉर्निंग की आती है, हॉर्निंग, लैपिंग और सुपर फिनिशिंग में आपको ध्यान रखना है, हाईएस्ट मेटल रिमूवल होती है हॉर्निंग में, देन लैपिंग एंड देन सुपर फिनिशिंग, और इसके बाद एक और सुपर फिनिशिंग एंड बफिंग, इनकी अप्रोक्स सिमिलर रहती है. तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे सुपर फिनिशिंग प्रोसेस. तो आज के लिए टॉपिक इतना ही, कंप्लीट है. थैंक यू.